हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेटर्स एंड दिस इज महिमा गौर प्रेजेंटिंग फन विद मैथ्स। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले एक नई सीरीज स्टार्ट की थी मैथ्स की, फन विद मैथ्स प्रेजेंटेड बाय महिमा गौर। क्लास 10th का इसमें हमने मैथ्स स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में देखा था, और फिर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को देखा था थोड़े इजी फॉर्म में, और हमने देखा था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1 करेंगे चैप्टर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज हम कवर करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं फन विद मैथ्स में। तो गाइस देखिए, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखा था, यानी कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हमने बिल्कुल एक इजी फॉर्म में इसे सीखा था, लेकिन अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर ही बेस्ड है, तो चलिए अब उसको करते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका वो है 135 एंड 225। अब हमें इसमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। मैंने आपको बताया है जो ग्रेटर डिजिट होते हैं, जो बड़ी डिजिट होते हैं उसे हम डिविडेंड के प्लेस पर लिखते हैं, और जो छोटे डिजिट होते हैं उसे हम डिवाइजर के प्लेस पर लिखते हैं। अब देखिए गाइस, जो डिवाइड करना है वो आपको बिल्कुल जो मेथड होता है उसी तरीके से करना है, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। हाँ, आप अपनी कैलकुलेशन पर थोड़ा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 225 135 के टेबल में आता है या नहीं। नहीं, ये हमें पता है, ठीक है। अगर 2 पे अगर हम जाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 135 को 1 से ही हम करेंगे। रिमाइंडर बचेगा हमारा 90, ओके। अब हमें क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप जो हमने देखा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अब हमने देखा था कि जो यहाँ पर रिमाइंडर आया है वो अब हमारा बन जाएगा डिवाइजर, और जो यहाँ पर डिवाइजर था वो अब हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। यही हमने लॉन्ग डिविजन मेथड में देखा था, ठीक है। तो अब 90 की टेबल में 135 नहीं आता है, तो वही 1 जा पे, और हमें ये लॉन्ग डिविजन तब तक करना है जब तक रिमाइंडर में 0 ना आ जाए। तो 90 1 जा 90, अब हम इसे माइनस करते हैं, 45 आ जाएगा। मैं आप फिर से कलर चेंज कर देती हूँ। अब देखिए गाइस, अब ये रिमाइंडर है ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। तो ये जो 90 है ये अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 45 की टेबल में 90 बिल्कुल आता है 2 पे, 45 2 जा 90। तो देखिए गाइस, अब इसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है, यानी क्वेश्चन यहां तक ही है, सोल्व हो चुका है। अब हमें बताना है कि एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो जो जब हमारा रिमाइंडर 0 आया उस टाइम पर जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यानी कि हमारा जो एचसीएफ हुआ वो क्या होगा इस केस में, 45 हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है गाइस। तो जो फर्स्ट पार्ट था वो कुछ इस तरह से है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, मैं 2 ही पार्ट कराऊंगी, थर्ड पार्ट आप खुद करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट दिखने में थोड़ा आपको बड़ा लगेगा, लेकिन ये सबसे ईजी है, देखते हैं कैसे। अब इसमें जो डिजिट है वो 196 एंड 38220, बड़ी डिजिट डिविडेंड के प्लेस पर आ जाएगी, और जो छोटी डिजिट है यानी 196 वो डिवाइजर के प्लेस पे आ जाएगी। अब हम देखते हैं वही सिंपल जो हमने डिवीजन आज तक सीखा है, 196 की टेबल में 382 आता है कि नहीं आता। नहीं आता वैसे, तो हम एक बार 1 पर ही इसे करेंगे, 196, ठीक है। डिवाइड बिल्कुल आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अब इसे हम देखते हैं, तो अब हमारे पास आया है, सॉरी यहां पर आएगा 8, वेट 196 है, मैंने 192 लिख दिया, यहां पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 8, और यहाँ पर आएगा हमारा 1 186 बचा। अब हमने ऊपर से 2 को ले लिया, ठीक है। अब 196 की टेबल में नहीं आता, लेकिन अगर 196 को हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1764। अब मुझे ये क्वेश्चन आता है इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। 9 जा पर 196 को अगर हम 9 जा से करेंगे
तो हमारे को 1764, अब हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 898। अब हमने ऊपर से क्या उतार लिया, ये जो जीरो थी ये हमने ऊपर से उतार लिया। 196 की टेबल में 980 आता है 5 जा पर, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यानी 196 5 जा 980, अब इसका रिमाइंडर आ गया जीरो। अब इस केस में क्या हुआ, हमें फर्दर ऐसे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हमें उस रिमाइंडर को फिर हम डिवाइजर लेंगे और जो पुराना डिवाइजर है उसे हम डिविडेंड लेंगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर में ऑलरेडी जीरो आ गया है। तो इस केस में अगर अब मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ हमारा क्या होगा, तो देखिए जब रिमाइंडर जीरो में आ जाता है उस टाइम पे जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी इस केस में हमारा एचसीएफ क्या हुआ 196 इटसेल्फ, यही हमारा आंसर है। तो हमने पार्ट वन किया, पार्ट टू किया, अब आप पार्ट थ्री खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ऐसा ही आपका एग्जाम्पल टू भी होगा, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की बात है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। सबसे पहले हमें पता है पॉजिटिव क्या होता है, जो नेगेटिव नहीं होते ऑब्वियसली, जो पॉजिटिव होता है 1, 2, 3, 4, 5 ओके, और ओड यानी ऐसे नंबर जो टू की टेबल से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 हो गया 3 हो गया, ये क्या है हमारे पॉजिटिव नंबर एंड ओड। अच्छा, इन्हें हम इंटीजर्स कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था नंबर लाइन पर जो भी नंबर लाई करेगा उन्हें हम इंटीजर्स कहेंगे। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखा जाए, 6q+1, 6q+3 and 6q+5। ये चीज अब क्या करनी है, हमें प्रूव करनी है। अब हम उस चीज को करेंगे कैसे, वो हम अभी देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपने शायद पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। अभी एक कंसेप्ट है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि सपोज कीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कोई भी नंबर है, यहाँ पर जो डिजिट लिखी जाएगी उसे डिविडेंड कहेंगे, इसे हम डिवाइजर कहते हैं, यहाँ पर जो आंसर आता है उसे हम क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। और बचा हुआ आंसर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। सपोज कीजिए इधर 3 था तो 3, 3 जा 9 और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ये डिविजन मैंने करके बताया, ये हमारा डिवाइजर था, डिविडेंड था, क्वेश्चन था और ये रिमाइंडर था, ठीक है। अब तो इस केस में क्या है, हमें बता देंगे कि आपको क्या करना है, 3 को 10 से डिवाइड करके बताना है। लेकिन समटाइम्स हमें क्या, क्वेश्चन में आपके लास्ट क्लासेस में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आपने किया हुआ है कि आपको डिविडेंड नहीं दे रखा, आपको डिवाइजर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, और अब कह दिया जाए कि आप डिविडेंड निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल हाँ, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, और आप अपनी कॉमन सेंस यूज करके भी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन में हमें 3 दे रखा है, यानी डिवाइजर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन अब हमें क्या नहीं दे रखा, हमें डिविडेंड नहीं दे रखा, और हमें यू कह रखा है कि रिमाइंडर में हमारे पास 1 बचेगा। तो हमें पता है कि 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 9, ठीक है। किस डिजिट से हम 9 को माइनस करें कि हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, 9 को अगर हम 10 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमारा डिविडेंड हमने निकाल लिया। लेकिन अब ये चीज छोटा नंबर था तो पॉसिबल था, लेकिन अगर कोई बड़ी डिजिट दे दी जाए तो इतना इजीली निकालना पॉसिबल नहीं होगा। सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट। अब वो फॉर्मूला क्या है वो आप देखिए, फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सपोज कीजिए हमें डिवाइजर नहीं दे रखा लेकिन हमें डिविडेंड दे रखा है, क्वोशेंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर को बहुत ही इजीली वे में निकाल लेंगे। अब जैसे इस केस में हमें सपोज कीजिए डिविडेंड नहीं दे रखा था, यानी हमें 10 ये हमें नहीं दे रखा था, लेकिन हमें पता था डिवाइजर हमारे पास 3 था, क्वेश्चन भी हमारे पास 3 था, और हमारे पास रिमाइंडर क्या था, 1 था। तो 3 3 जा 9 प्लस 1, हमने क्या किया,
डिविडेंड हमारा 10 आंसर निकालना है। इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला लिखा है तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट। अब वो क्या रीजन है वो मैं दिखाती बताती हूँ, क्योंकि अभी हमें जो ये क्वेश्चन प्रूव करना है ऊपर, ठीक है मैं एक बार सारा इरेज कर देती हूँ, ये अभी हमें जो क्वेश्चन प्रूव नहीं इरेज नहीं करती सारा, आपको कुछ भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। अभी हमने ये जो क्वेश्चन प्रूव किया था ऊपर, ठीक है, इसके लिए इसमें ये जो फॉर्मूला है ये काम आएगा। कैसे आएगा अभी हम देखते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चले शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आगे। ओके अब हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 की फॉर्म में लिखा जा सके। अब हमें यहाँ पर डिविडेंड दे रखा है, इसी मैं एन भी लिख सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए। डिवाइजर को मैंने डी लिख दिया, क्वेश्चन को मैंने क्यू लिख दिया और रिमाइंडर को मैंने आर लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसे बेसिक फॉर्म में लिखूं, बेसिक फॉर्म में, ठीक है, बेसिक फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं तो मैं एन को ए लिख सकती हूँ, ठीक है, डिवाइजर को मैंने बी लिख दिया, क्वेश्चन को मैंने क्यू लिख दिया और रिमाइंडर को मैंने आर लिख दिया। अब ये बात हम हो गई, ठीक है, बेसिक फॉर्म में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया, बेसिक एक इक्वेशन बन गया। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा डिवाइजर होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है, वो हमेशा जो रिमाइंडर होता है, सॉरी, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा हमारे डिवाइजर से छोटा होता है। यानी डिवाइजर हमेशा हमारा रिमाइंडर से बड़ा होगा। जो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता। अगर रिमाइंडर जीरो सॉरी डिवाइजर से बड़ा आया तो दैट मीन्स जो डिविजन है अभी कंप्लीट नहीं हुई, उसे और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस केस में भी जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये हमारा 3 था, ये 10 था, लास्ट में हमने इसे मल्टीप्लाई किया और लास्ट में रिमाइंडर हमारा आया 1। रिमाइंडर हमारा हमेशा डिवाइजर से क्या आएगा, लेस देन ही आएगा, ठीक है। तो अब इस केस में ये चीज हमने देख ली थी, अब देखिए आप आगे, ठीक है, डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अब हम आगे देखते हैं, देखिए अब हमने इसे स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्म में लिख दिया, a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए आप अगर ये 6q+1 वाली इक्वेशन देखेंगे, ये इसी फॉर्म में है, तो मैं इसे एज इट इज इधर ही लिख दूंगी, a इक्वल्स टू, अगर हम डिवाइजर देखें तो हमारी इक्वेशन में डिवाइजर क्या है, हमारा 6 जो है वो हमारा डिवाइजर है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 6 हमारा डिवाइजर लिख दिया, क्वेश्चन एज इट इज और रिमाइंडर r। अब मैंने अभी बताया था कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, और डिवाइजर अगर यहाँ पर 6 है तो रिमाइंडर यानी 6 से छोटा ही होगा। रिमाइंडर यहाँ इस केस में क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इस केस में हमारे रिमाइंडर्स ये सभी हो सकते हैं। तो अब मैं इन्हें इक्वेशन में पुट करती हूँ, a इक्वल्स टू हमारा डिवाइजर था 6, q, अब रिमाइंडर हमारा एक केस में 0 हो सकता है, फिर दूसरे केस में हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1, तीसरे केस में 2, चौथे केस में हमारा रिमाइंडर हो सकता है 3, 6q+4 एंड 6q+5 ये हमारे रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व होने वाला है। ये अभी मैं डिटेल करा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप एक बार सीख लेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, 6q+0 यानी जैसे हम 6q भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 6q के केस में आप देखिए, इसमें कोई चीज अगर हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ हम इसमें 2 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 6q में 2 को कॉमन लिया तो हमारा आंसर क्या बचा, 3q बचा। अब हमें एक बात पता है कि कोई भी नंबर यानी यहाँ पर जो 3q है वो किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। और कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, तो यानी वो नंबर 2 से डिवाइड भी करेगा, और अगर 2 से डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट मींस 2 से डिवाइड भी करेगा, और डिवाइड वाला जो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड करता है वो हमारे इवन नंबर होता है। अब सेकंड केस में 6q+1 में क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, नो। लेकिन अगर नेक्स्ट केस अगर हम देखें, यहां पर हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले सकते हैं 6q+2 में, जी हाँ। फिर आंसर में क्या बचेगा, ब्रैकेट में 3q+1 बचेगा। तो इस केस में भी अगर 3q+1 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 से डिवाइड भी करेगा, और अगर 2 से डिवाइड कर रहा है दैट मींस ये इवन
नंबर है, ठीक है। 6Q+3 में 2 को कॉमन लिया जा सकता है? नहीं, ठीक है। 6Q+4 में 2 को कॉमन? जी हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। ब्रैकेट में बचेगा 3Q+2, और अगर ये नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड भी करेगा, और अगर डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर भी क्या है हमारा? इवन। 6Q+5 में 2 को कॉमन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। अब एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है गाइस कि देखिए, अगर ये इवन नंबर है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? शो एनी पॉजिटिव, ऐसा एक पॉजिटिव ओड इंटीजर्स बताना है, यानी हमें इवन नहीं बताना, ओड इंटीजर बताना है, ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो है वो इवन इंटीजर है, ये वाला भी इवन है और ये वाला भी इवन है, लेकिन हमें बताना क्या था? ओड ही बताना था। तो यानी जो हमारे जो ओड इंटीजर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, वो किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? 6Q+1 की फॉर्म में, 6Q+3 की फॉर्म में, और 6Q+5 की फॉर्म में। हमें यही प्रूव करना था और हमने यही प्रूव कर दिया। हमारे जो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, उन्हें हमें किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 6Q+1, हाँ लिखा जा सकता है क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है। 6Q+3 एंड 6Q+5, क्योंकि बाकी में 2 हमने कॉमन लेके दिखा दिया, और 2 अगर कॉमन लिया जा रहा है दैट मींस वो मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करेगा, और डिवाइड ही कर रहा है तो वो इवन नंबर हुआ, ओड इंटीजर वो हुआ ही नहीं। अब हमें यही चीज प्रूव करनी थी। अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आप a को जैसे आप यहां इस केस में 6Q+0 था, ठीक है, तो आपका आया निकल के ये। अब q की प्लेस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए ये 12 है, a हमारे इस केस में क्या है? 12 है, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो आपका जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये हमें प्रूव करना था कि क्या ये 3 ओड इंटीजर जो है हमारे, पॉजिटिव ओड इंटीजर, वो 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर इस स्क्रीन पर मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पीछे थोड़ा जो है मिक्सअप हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। हमें ये प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन तो था, यहां तक आप सभी ने आइए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो सबसे इजी है। अब पूछा क्या गया है कि एक आर्मी कंटीजेंट है, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड, जो 616 मेंबर्स है उन्हें क्या करना है? मार्च करना है। किनके पीछे? एक आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, एक आर्मी का बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स है, उनके पीछे परेड में मार्च करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब उन्हें क्या करना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What is the maximum number of column in which they can march? अब हमसे पूछा है कि maximum number of column बताइए जिसमें वो सभी लोग मार्च कर सकते हैं। Maximum का मतलब क्या है यहाँ पर? Highest, ठीक है। Highest number of column हमें बताना है, और अभी हम इस चैप्टर में क्या सीख रहे हैं? HCF ही कर रहे हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से, तो हमें क्या बताना? Highest number of column, यानी हमें highest यानी maximum ही बताना है, यानी हमें इस क्वेश्चन में HCF लेना है, ठीक है। किस किस का? 616 एंड 32 का हमें HCF करके दिखाना है। वही जो ग्रेटर नंबर है उसे डिविडेंड के प्लेस पे, जो छोटा नंबर है उसे डिवाइजर के प्लेस पे। ये तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, ये मतलब बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 32 की टेबल में 616 नहीं आ रहा, लेकिन 19 पे अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 608 आएगा। नीचे हमारा रिमाइंडर में 8 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर में हमारा 8 बचा। फिर हमने जो यहाँ पर जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, और ये जो रिमाइंडर था, सॉरी ये 32 है, ये हमारा क्या बन जाएगा? क्वेश्चन 8 × 4 = 32, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 आ गया। जब जैसे ही रिमाइंडर में 0 आया, उस टाइम पे जो डिवाइजर है वही हमारा क्या होता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों ग्रुप मिलकर बनाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ये जो बनाएंगे वो कितने बनाएंगे? 8 कॉलम्स बनाएंगे। यही हमारा आंसर है, हमारा थर्ड क्वेश्चन यही था। तो गाइज, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 बहुत अच्छे से किया है। होमवर्क है आपका, एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई कीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 4 और 5 करवाऊंगी।
सो अभी के लिए थैंक यू सो मच. आई होप यू गाइज एंजॉयड फन विद मैथ्स प्रेजेंटेड बाय महिमा गौर. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी.